अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्राउंड रियलिटीज। व्यूअर्स, आज मैं आपको विज़िट कराऊंगा ये 5 मरले का बहुत ही खूबसूरत एक डबल स्टोरी 3 बेडरूम हाउस जो कि अवेलेबल है सेल के लिए। व्यूअर्स, सबसे तो पहले बात करेंगे घर की लोकेशन की। एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, सेक्टर 4, रावलपिंडी जो है इस घर की लोकेशन है। ज़बरदस्त जो है इसका फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, 3 बेडरूम्स की, 3 मास्टर बेडरूम्स की इसमें अकोमोडेशन है। डेड एंड स्ट्रीट का ये घर है, कॉर्नर का ये प्लॉट है, ज़बरदस्त इसका फ्रंट एलिवेशन है। गैस जो है आप देख सकते हैं एरिया में अवेलेबल है, साथ वाले घर में गैस लगी हुई है, एक ज़बरदस्त एक प्राइम लोकेशन है। यहाँ पे जो ओल्ड एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल करीब है, एयरपोर्ट रोड हो गया, फिर आगे 2-3 सोसाइटीज़ जो इसको टच करती हैं, एक जुडिशल कॉलोनी है, फिर गुलजारे कायद है, फिर एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें ऑलरेडी घर ये बना हुआ है, और इसके अलावा जो गुलबर्ग ग्रीन है और इस्लामाबाद हाईवे बिल्कुल एक शॉर्ट डिस्टेंस पे, यहाँ पे आप इस्लामाबाद हाईवे को जो है आप लिंक कर सकते हैं इस घर से। ज़बरदस्त 5 मरले का घर है ये। तो बात करते हैं इसके अब कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो ज़बरदस्त जो है इसके जो फ्रंट एलिवेशन पे जो आप देख सकते हैं रॉक वॉल का यूज़ हुआ है, मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये आप देखें रॉक वॉल का यूज़ हुआ है इसके ग्रे प्लस ब्लैक कलर में इसके फ्रंट एलिवेशन पे। बाकी गेट जो है इसके साथ मैच कर रहा है, वाइट लाइट जो है इसके फ्रंट पे लगी हुई है जो इसकी खूबसूरती को इन्हेंस कर रही हैं, जो इसकी खूबसूरती में और इजाफा कर रही हैं। बाकी ये बात करेंगे गेट की, हमारे पास जो है स्लाइडिंग गेट है इसका जो घर के फ्रंट एलिवेशन के साथ मैच कर रहा है। उसके बाद जो है बात करेंगे रैम पे, हमारे पास टफ टाइल का यूज़ हुआ है, ये एक्सटर्नल लॉन एरिया जिसको भी थोड़ा सा काम रहता है। तो फिर से बात करते हैं घर के अंदर की। तो हमारे पास ज़बरदस्त एंटर होते साथ ही हमारे पास एक कारपोर्च एरिया है जिधर आप इजीली एक बड़ी गाड़ी की पार्किंग आराम से कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आपके पास स्पेस बचेगी वॉक थ्रू के लिए। राइट साइड पे हमारे पास ये वाटर सिंक लगा हुआ है मिरर के साथ, और हमारे पास पाउडर एरिया है, पाउडर ये गेस्ट वगैरह के लिए या फिर विजिटर्स के लिए बाहरी स्पेस है वॉशरूम की। उसके बाद व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसके सीलिंग वर्क घर में ज़बरदस्त हुआ है, वुडन टेक्सचर में वाइट पेंट के साथ सीलिंग को डिज़ाइन किया हुआ है। फिर यहाँ से अकोमोडेशन है इसके ड्राइंग रूम की, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, फर्दर वीडियो को देखें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास निशेस बनी हुई है, आप इसको आर्टिफिशियल प्लांट्स के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा फर्दर मूव करेंगे तो हमारे पास स्टेयर लॉबी एरिया है, उसके नीचे भी स्पेस है, आप इसको एज अ स्टोर यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर जाने की स्पेस है। उसके बाद जो है व्यूअर्स, अब मैं बात करूँगा इसकी एक्सेस की। तो यहाँ से जो है इसके ड्राइंग रूम की एक्सेस है, और यहाँ से जो है घर की मेन एक्सेस है। बहुत इंप्रेसिव इसका पॉलिश वर्क है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ज़बरदस्त एक्सटेंडेड क्वालिटी पॉलिश वर्क जो है आपको मिलेगा इसके मेन डोर्स पे, बाकी पूरे घर में। तो ये टाइल्स का यूज़ हुआ है इसके फ्लोरिंग पे, ज़बरदस्त। और एंटर होते साथ ही हमारे पास एक खूबसूरत टीवी लाउंज एरिया आ जाता है, यहाँ से एंट्रेंस है हमारी। और एंटर होते साथ ही पहले तो आपको इसका ड्राइंग रूम विजिट कराऊंगा जो कंबाइन है टीवी लाउंज के साथ, सेपरेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सेम टाइल्स का यूज़ हुआ है फ्लोर पे, हमारे पास नशेस बनी हुई है इसकी वॉर्म लाइट के साथ, वुडन टेक्सचर में जो आप इस पर वॉल पेपर लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा सकते हैं। सीलिंग पे सेम डिज़ाइन जो है जो घर का मेन कलर स्कीम है उसको वुडन टेक्सचर के साथ डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से आपके पास एक्सेस है दूसरी, जो आपके पास प्राइवेट एक्सेस है इसके ड्राइंग रूम की, बीच में सेपरेशन है, पर्दे की जगह है, यहाँ पे आप पर्दा इंस्टॉल करके अपने ड्राइंग रूम को और टीवी लाउंज को बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे टीवी लाउंज की। तो हमारे पास एक खूबसूरत एक मिनिमल स्टाइल में जो है टीवी लाउंज तैयार हुआ है इसका, सामने से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये इसकी मीडिया वॉल है व्यूअर्स, सीलिंग आप देख सकते हैं, फ़ैन है हमारे पास सामने, मीडिया वॉल है जिधर हमारे पास एक टीवी की स्पेस है, फिर डिफरेंट शेल्फ्स बनी हुई है जहाँ पे आप अपना सामान अप टू योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद 2 बेडरूम्स है हमारे पास इसके ग्राउंड फ्लोर पे। प्लॉट की जो साइज़ है व्यूअर्स ये है 25-50, वैसे 5 मरले का सो स्टैंडर्ड साइज सारे सोसाइटीज़ में 25-45 होता है, इसका 25x50 है, इसलिए आपको घर थोड़ा स्पेशियस लगेगा। ओपन हमारे पास किचन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त वुडन कंपैरिजन में जो घर में अल्टरनेट यूज़ जो हुआ है कलर का, उसमें डिज़ाइन किया गया इसके शेल्व्स को, इसके ड्रॉर्स को। उसके बाद विंडो है हमारे पास, एग्जॉस्ट फैन है वेंटिलेशन के लिए, वुडन ये शेल्फ में हुड लगा हुआ है, सेंसर्ड हुड है ऑटोमेटिक,
फिर ये जो है कबर्ड बनी हुई है इसकी स्टोरेज पर्पस के लिए। ज़बरदस्त किचन है। फिर यहाँ पे हमारे पास ये स्पेस है, इसकी टेबल है, आप इसको डाइनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आराम से 3 से 4 चेयर्स यहाँ पे आराम से प्लेस करके इसको यहाँ पे अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। 2 बेडरूम्स हैं हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे, सेम पैटर्न में टाइल्स का यूज़ हुआ है। 1 बाय 1 ईच बेडरूम विजिट करेंगे तो दोनों ही मास्टर बेडरूम मैं इनको कहूँगा, क्योंकि 5 मरले में इतना बेडरूम साइज जो है मास्टर ही कंसिडर किया जाता है। वार्डरोब एरिया है, ज़बरदस्त सीलिंग है, ज़बरदस्त फिनिशिंग है, पेंट वर्क, वुडन वर्क, वार्डरोब। फिर हमारे पास टाइल्स का यूज़ हुआ है वॉशरूम्स में भी, ज़बरदस्त एक्सेसरीज लगी हुई है, सॉलिड टाइल्स का यूज़ हुआ है। उस बाद मिरर आप देख सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए जाली प्लस ग्लास के साथ विंडो है, फिर एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस अवेलेबल है। सबसे जो इंप्रेसिव है घर में कि भाई 5 मरले घर में इस तरह का स्टैंडर्ड पॉलिश जो है स्टाइल कौन देता है। सेकेंड बेडरूम विजिट कराऊंगा आपको, ये हमारे पास सेकेंड बेडरूम है। इसके बाद हमारे पास लॉन्ड्री के लिए भी स्पेस है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लाइट थोड़ी कम है क्योंकि दिन डे टाइम है, भाई सूरज बहुत तेज है तो लाइट जो है थोड़ी सी कम है। ये है वार्डरोब एरिया इसका, बाकी लाइट्स लगी हुई हैं, आपकी मर्जी से रोशनी ज़्यादा करनी है तो आप बड़े वॉल्ट की जो है लाइट लगा सकते हैं। वॉशरूम आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त सेम पैटर्न में डिज़ाइन हुआ हुआ है। फिर ये डोर जिसकी एक्सेस हमें मिलेगी यहाँ से अपनी लॉन्ड्री के लिए, ये बैक गैलरी एरिया है इसका। तो वीर सभी मैंने आपको विजिट करवाया इसका ग्राउंड फ्लोर, उम्मीद है कि पसंद आया होगा आपको। ज़बरदस्त यहाँ से हमारी एंट्रेंस है, टीवी लाउंज है, फिर ड्राइंग रूम है इसका, उसके बाद 2 बेडरूम्स मैंने आपको दिखाए, एक बैक गैलरी अटैच वॉशरूम के साथ, फिर किचन है, ओपन क्लोज भी कर सकते हैं, चौकाट अवेलेबल है, पार्टीशन करना चाहें यहाँ पर डोर लगाना चाहें तो पॉसिबिलिटी है। सेकंड जो है इसका फ्लोर है जहाँ पे हमें सिर्फ 1 बेडरूम मिलेगा, जिसकी एक्सेस बिल्कुल यहाँ से कारपोर्ट से ही है, मतलब कि आप इसको डबल यूनिट हाउस कन्वर्ट कर सकते हैं अगर फ्यूचर में आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना चाहते हैं। ये देखें ज़बरदस्त आपको एक कॉर्नर का प्लॉट है, डेड एंड स्ट्रीट है, साथ वाले घर में गैस भी है, उनसे गैस भी आप शेयर कर सकते हैं, तो ज़बरदस्त आपको एक फैसिलिटी मिलती है, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी। तो व्यूअर्स एंटर होते साथ ही हमारे पास जो है स्पेस है रूफटॉप की, क्योंकि इसका एक ही बेडरूम है सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे, आप इसको कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें तो फ्यूचर में करवा सकते हैं। जो है इसका वॉशरूम स्टैंडर्ड क्वालिटी की एक्सेसरीज लगी हुई है। उसके बाद ये है मास्टर बेडरूम इसका, ये पूरा हॉल है, मेरी आवाज़ भी गूंज रही होगी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये पूरा हॉल बना हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद ये टेरेस की भी एक्सेस आपको यहीं से मिल जाएगी, बाय टेरेस है, रॉक वॉल का यूज हुआ है पूरे घर में। तो वीर्स उम्मीद करता हूँ आपको घर पसंद आया होगा, जबरदस्त स्टैंडर्ड क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन है। मैं आपको रूफटॉप दिखाता हूँ इसका, ये देखें जी रूफटॉप इसका। फ्यूचर में अगर आप फर्दर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस जो उसका फ्लोर प्लान है ग्राउंड फ्लोर का, वैसे ही आप घरों पर भी बना सकते हैं। बीच में बैक साइड पर जगह दी भी है वॉशरूम की, जो स्पेस है मैं आपको अगर यहाँ से दिखाऊं तो नीचे है वॉशरूम की स्पेस दी गई है, ये 2 वॉशरूम्स की, यहाँ पर अपने बेडरूम बना सकते हैं, 1 बेडरूम ऑलरेडी है, ये किचन की स्पेस है। तो व्यूअर्स इस घर की जो डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है, वो है 1.25, 1,25,00,000 रुपए। ये डबल स्टोरी 3 बेडरूम है, खूबसूरत 5 मरले का घर है, 25x50 प्लॉट की डायमेंशन है, सॉलिड कंस्ट्रक्शन हुई है घर में। इसकी जो लोकेशन है एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 4 रावलपिंडी, नियर टू ओल्ड एयरपोर्ट रोड एंड इस्लामाबाद हाईवे। घर की जो डिमांड है आस्किंग प्राइस है वो है 1.25 मोटरसाइकिल नहीं, 1,25,00,000 रुपये। इसमें नेगोशिएशन हो जाएगी,
डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आप हमारे नंबर अवेलेबल हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप फर्दर जानना चाहते हैं या आप उसको विजिट करना चाहते हैं, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करें, वो आपको गाइड करेंगे, आपको घर विजिट करवाएंगे। 1,25,00,000 रुपये डिमांड है, इसमें नेगोशिएशन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको घर पसंद आया होगा। वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा, एंड करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।